हेलो गाइज, देखिए आज मैं आप लोगों के घर में बहुत सारे पेन पड़े होते हैं जो चल नहीं पाते, इंक सूख जाती है या उनकी जो नोक है उसमें इंक अटक जाती है जिस वजह से सूखे होने की वजह से पेन नहीं चलता। तो मैं आपको चला करके दिखाता हूँ, इनमें से कोई भी पेन नहीं चल रहा। लगभग मेरे पास अभी और भी बहुत सारे पेन पड़े हैं लेकिन लगभग मैं आपको 100 या 50 पेन ही आज मैं चला करके दिखाऊंगा। कितना आसान ट्रिक है कि आप अपने सभी ख़राब पेनों को, जो पेन आपके घर में बंद पड़े हुए हैं और इंक से फुल हैं, तो मैं आज उन पेनों को आपको रिपेयर करके यानी कि चला करके दिखाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, देखा आपने जितने पेन अभी तक देखे हैं इनमें से कोई भी पेन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको धीरे धीरे सभी पेनों को इस तरीके से करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने आप लोगों के सामने लगभग जो पेन ठीक थे उन सबको कैप लगा करके एक साइड रख दिया है, और जो पेन नहीं चल पा रहे थे उन पेन के मैंने कैप सामने रख दिए हैं और उन सभी ख़राब पेनों को मैंने एक साइड में रख दिया है। तो ये देखिए, अभी कोई भी पेन यहाँ पर नहीं चल रहा है। कोई कोई पेन जो चल रहा है मैंने उसका कैप लगा करके उसको साइड में रख दिया। तो ये पेन चल रहा है तो इसका कैप लगा करके मैं इसको साइड में रख देता हूँ, और इसी तरीके से मैं और पेनों को चेक करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपने इन सभी पेनों को देखा, इनमें से अधिकतर पेन नहीं चल पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पेन बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं सबको एक साथ ही आपको करके दिखा देता हूँ। तो इनमें से जो पेन चलेगा उसको एक तरफ निकाल के रख देंगे और जो ख़राब होंगे उन सभी पेनों को एक बार फिर से बाहर निकाल के रख देंगे। तो देखिए, आपने प्रोसेस देखा। अब ये इनमें से कोई पेन नहीं चल रहा है, इनमें से जो भी एक आध पेन चलेगा तो मैं उसको एक तरफ कर दूंगा, बाकी ये सभी पेन नहीं चल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इन सबको एक साथ चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नहीं चल रहे हैं और ये देखिए, ये भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब इन पेन को रिपेयर करके दिखाता हूँ। पहले आपको करना क्या है, चलिए मैं आप लोगों को किचन में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर पानी थोड़ा एक इन पेन के आकार का एक बर्तन लेना है और उस पानी को बॉयल करके उसमें से झाग मिट जानी चाहिए, यानी कि पानी ठीक ठाक गर्म हो जाना चाहिए। ये देखिए, जैसे इसमें आपको झाग दिखाई दे रहे हैं बुलबुले टाइप के, तो ये सभी इसमें से लगभग ख़त्म हो जाए, तो यानी कि पानी आपका काफ़ी हीट हो जाएगा। और सभी पेनों को इसमें बराबर नाप के देखिए कि पानी इन पेन के अंदर नहीं जाना चाहिए। और इसमें जो है, हम पहले गैस को बंद कर देता हूँ। अब देखिए, ये पेन इसके बराबर है तो पानी से नीचे ही है, तो मैं अब इन पेनों को बेफिक्र होकर इसके अंदर डाल देता हूँ। और ध्यान रहे कि सभी की जो नोक है वो नीचे की ओर रहे, ताकि इसकी इंक बाहर ना निकले और इसकी जो सभी नोक है वो ठीक से काम करने लग जाए। और इसको तकरीबन आपको 5 मिनट के समथिंग इसको पानी में डाल के रखना है। जब ये गर्म पानी में आपके पेन जो थोड़े मुलायम होने लग जाए, तो इसको पानी को आप निकाल करके फेंक सकते हैं। तो मैंने एक बॉयल ले लिया है जिसमें आराम से इस पानी को बाहर कर सकता हूँ, ताकि हाथ पाँव ना जलें, क्योंकि पानी काफ़ी तेज़ था, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतेंगे, गर्म पानी को ऐसे नहीं छुएंगे। ये देखिए, मैंने सारे पानी को बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास सभी पेन अवेलेबल हैं। अब मैं इन सभी पेनों को आपको चला करके दिखाता हूँ। चलिए, तो ये देखिए, आपका पहला पेन ये काम करने लग गया। ठीक है, थोड़ा हो सकता है ज़्यादा घिसना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग प्रोसेस है। तो ये पेन आपका ओके है, ये चल गया। इसके बाद मैं आपको दूसरा पेन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी चल गया। फिर दूसरा, तीसरा पेन दिखाता हूँ। तो इनमें से एक पेन चल रहा है, एक नहीं चल रहा। तो जो ख़राब पेन है उसको मैं अभी भी साइड में रखूँगा, फिर जो ख़राब पेन होंगे उन सभी पेनों को इकट्ठा करके बार फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो मैंने दूसरा पेन चलाया, तो ये भी पेन आपके सामने देखिए चल रहा है। तो ये देखिए, ख़राब पेन है, ये भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इनको लगभग अभी पानी में थोड़ी देर और डाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसमें 5 मिनट नहीं डाला था, 2 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने इन पेनों को निकाल लिया था। तो अब मुझे क्या करना है, मैं अगला जो नेक्स्ट तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, मैं सभी पेन आपको एक साथ चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए, इनमें से कोई पेन नहीं चल रहा, एक आध पेन चल रहा, तो मैं उस पेन को बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए, ये पेन चल रहा है, तो मैं इसको कैप लगा के रख देता हूँ, ये पेन मेरा ओके है। अब सभी पेनों को, जो प्रोसेस मैंने पहले की थी मैं आपको दोबारा नहीं दिखाऊँगा, इन सभी पेनों को फिर से एक बॉयल वाटर के अंदर एक बार फिर से खड़ा कर देना है, और एक एक पेन को निकाल करके फिर से कागज़ पर चला करके देखना है, तो आपके ये सारे पेन आपके वर्क करने लग जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी ये लगभग 150 पेन मैंने आपको ठीक करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे पास, जबकि इससे भी ज़्यादा मतलब बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास पेन का बिजनेस है, तो मेरे पास ज़्यादातर पेन ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उनको इसी तरीके से ठीक करता हूँ। तो देखिए, आपके सामने सभी पेन लगभग ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने फिर से बॉयल पानी में डाल लिया है, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, मैंने उसी बर्तन के अंदर फिर से गर्म पानी किया और सभी पेनों को खड़ा करके इसमें पेनों को रख दिया है, और ये पेन मेरे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के घर में भी अगर पेन इसी तरीके से ख़राब हो रहे हैं तो आप उनको बहुत आसानी तरीके से इसी से अपने पेनों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला टॉपिक या अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो और लोग जो आपके दोस्त मित्र हैं वो सभी लोग अपने घर में पड़े पुराने या ख़राब पेनों को ठीक तरीके से चला सकें। और साथ ही साथ अगर गर्म पानी से भी ये पेन अगर नहीं चल पाता या ठीक से नहीं चल रहा है तो आप इसकी नोक को हल्का सा मोमबत्ती नहीं होती है कैंडल, उसको आप जला करके हल्की सी आँच पर इसकी नोक को कर दें और उसके बाद उस पेन को घिसेंगे तो आपका पेन ऑटोमेटिकली बहुत बेहतरीन चलेगा।